हेलो रिबॉन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस टॉपिक के लिए कि जैसे आपने तुमने पढ़ा होगा कि कौन आप पे नज़र रख रहा है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है। देखते हैं कि मैंने रीडिंग करने का सोचा है तो देखते हैं कि टॉपिक उठा रही हूँ जो रिक्वेस्टेड है। तो कौन आप पे नज़र रख रहा है, ये टॉपिक पे रीडिंग की जा रही है कि इस वक्त जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है तो उस वक्त आपके ऊपर कौन नज़र रख रहा है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये एनर्जी आई थी, लवर्स की फील हुई थी। सो जैसे फील हुई थी वो आई है। ओके, ओके, इरेफ्रेंस। सो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर और बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं, जो जैसी है एनर्जी ना वैसे ही आए हैं। कौन आप पे नज़र रख रहा है? तो ऐसे पर्सन जो जिनके साथ आपका एक प्यार का रिश्ता है, बहुत ज़्यादा एक गहराई का रिश्ता है। हो सकता है कि, हो सकता नहीं, इस दिख रहा है कि आपका इनके साथ है ना सेपरेशन जरूर है। भले बातचीत हो रही है, कनेक्शन में है, तभी भी एक तो पहले तो डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी फील हो रही है कि काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई है, दूर दूर है, काफ़ी अरसे से ना कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है, मिलना भी नहीं हुआ है। और ये भी हो सकता है कि अगर कनेक्शन है भी ना, मतलब कनेक्टेड है, अभी फ़िलहाल बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी एक डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग है। हो सकता है किसी बात पर आप दोनों की अनबन हुई है या किसी रीज़न से एक दूरियाँ हैं वाली चीज़ है। तो एक पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है। हो सकता है ना कि जैसे आप लोगों में अनबन है या फिर कुछ तो रीज़न है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी वजह से वो इंसान आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी नज़र है। मतलब कैसे ना कि थर्ड पार्टी का ऑब्जर्वेशन या नज़र है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग का कनेक्ट तो नहीं है, आप लोग दोनों के बीच में क्या चल रहा है वगैरह, वो सब चीज़ हो सकती है। इसके लिए वो भी है, थर्ड पार्टी की भी नज़र है। और जो आपके पर्सन है, जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, वो भी है, तो वो आपके ऊपर नज़र करते हैं। और ये भी है एक सिचुएशन जहाँ पर कोई एक पर्सन है जो आपसे बेहद प्यार करता है, वो भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एक पर्सन ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी एकदम ज़बरदस्त है, स्पेशली ये आपकी काम की जगह पे, या आप लाइक नो कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे, मतलब आपकी जो जो एजुकेशन की जो प्लेस है, एजुकेशन मतलब आप शायद आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे है, या स्पेशली काम की जगह पे कोई है जो आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन वो इंसान आपके नज़र, मतलब आपके ऊपर नज़र रख रहा है, मतलब वो आपको दिल से पसंद करता है, अंदर ही अंदर मतलब एकदम छुप छुप के प्यार करता है, और वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ना था, वो आपके ऊपर नज़र रख रहा है, और स्पाइन की एनर्जी ज़बरदस्त है, मतलब नज़र रखने की एनर्जी ज़बरदस्त है। स्पेशली द थर्ड पार्टी भी है, जो आपके पर्सन है, जो जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार भी हो सकता है, वो भी नज़र रख रहे हैं। और कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के गया है, वो भी नज़र रख रहा है, छोड़ के गया है, मतलब ब्रेकअप हुआ है या काफ़ी टाइम हो गया, स्पेशली 8 महीने हो सकते हैं, तो वो भी आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। और एक ऐसा पर्सन जो आपको ना मैरिज मटेरियल समझता है, इस चाहे आपकी एज जो भी हो, चाहे आपका जेंडर जो भी हो, बट आपको मैरिज मटेरियल समझता है, मैरिज मटेरियल कि आप है ना परफेक्ट मैरिज है,
और एक ना एक दिन शादी करने की इच्छा है, तो वो आपके पास नजर रख रहे हैं कि मतलब एक डिजायर वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको बहुत मानते हैं। यहाँ पे तीन क्वीन आई हैं, तीन क्वीन है, क्वीन ऑफ मैंड्स है, पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। मतलब एक ऐसा इंसान आपको परफेक्ट मानता है, परफेक्ट। आप बहुत ज्यादा एक लविंग केयरिंग पर्सन हो, आप आपका नेचर ही शायद ऐसा है कि आप ना किसी की मदद भी करते हो, और वो चीज़ है। भले आप मेल हैं, लेकिन क्वीन की एनर्जी जिस तरह से एनर्जी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। मतलब एक काम की जगह आप काम में एकदम माहिर हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि काम की जगह आपका जो एक रुतबा है वो भी एक खास है। देन अगर जो मैनेजमेंट टाइप है कि जहाँ पैसे के मामले में जो डिसीजंस लेने होते हैं, सोचना होता है, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, वहाँ पे भी आपका एक दिमाग चलता है, वैसा पर्सन भी है आप। और एक ऐसा पर्सन भी है ना जो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, किसी से रिश्ते बनाए रखना, किसी से रिश्ते जोड़ना और बहुत कंसर्न करना। भले अपने को दुख हो चलेगा, लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो वाले पर्सन हो, तो वो इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो आपके पर नजर रखें, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा है ना कि जैसे आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि शायद आप इनको मौका दे दें। वो पर्सन भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं। एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा अभी ना खामोश है, अकेले रहना पसंद करते हैं। यू नो, कभी कभी होता है ना, वर्क प्लेस हो या जैसे अपने कोई भी काम की जगह हो, एजुकेशन हो या आसपास का भी, लाइक ना आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी कोई इंसान एकदम ऐसे कटा कटा से रहता है बहुत ज़्यादा, और हमारा ध्यान भी नहीं रहता, बट वो इंसान दूर से हमें ऑब्जर्व तो करता रहता है, पसंद तो करता रहता है, वैसे कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक ऐसा इंसान जो आपसे आपके पास था कभी और बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, अचानक से डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग आ रही, तो वो इंसान भी आपके पास नज़र रख रहे हैं कि शायद आप बात नहीं कर रहे हो, शायद आप बात नहीं कर रहे हो, तो इसलिए नज़र है और आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र है। और अगेन फील हो रहा है कि कोई आपको ना एक तरफा भी प्यार कर रहा है, और ख़ास करके बातचीत की एनर्जी, कम्युनिकेशन। और जो इंसान आपके नज़र रख रहा है ना, वो आपसे बहुत ही जल्द कम्युनिकेट कर सकता है, स्पेशली आपके पर्सन हो तो वो बात कर सकते हैं या फिर लिटरली मिलने आ सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह ऑब्जर्वेशन मोड में है कि जैसे आपके ऊपर दूर से नज़र रख रहे हैं कि क्या चल रहा है, आपका मूड कैसा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई है कि नहीं, कोई क्या हो रहा है, कैसे कंडीशंस हैं, अगर स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी नज़र हटी है क्या नहीं वगैरह, वो सब चीज़ ऑब्जर्वेशन में है। और आपकी तरफ ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उनका, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में अभी ना बहुत ज़्यादा एक इम्प्रूवमेंट है, एक ऑरा चेंज है, क्योंकि आपने ना बहुत ज़्यादा शायद अभी रिसेंटली आपकी आपका कोई प्रमोशन हुआ है, या फिर आपको कोई नया जॉब लग गया हो, या कुछ तो है, मतलब या तो आपने कोई एग्ज़ाम अचीव की है, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाया है, तो कहीं ना कहीं आप नज़र में आ गए हो, नज़र में आ गए हैं, तो उनका भी अट्रैक्शन बढ़ा है, वो चीज़ है। या कोई डेजिग्नेशन आपकी मिली है अभी रिसेंटली, या आपने ऐसा कुछ काम किया है जो नज़र में आ गया है, तो काफ़ी लोगों की नज़र तो है लेकिन एक स्पेसिफिक पर्सन की नज़र बहुत ज़्यादा है। और इसमें ये एनर्जी ना मुझे कोई बुरी नज़र नहीं लगी, बुरी नज़र नहीं लगी, अच्छी है। मतलब आपको ना रिस्पेक्टफुली या आपको मानने वाली नज़र है, आपको प्यार करने वाली नज़र है, बुरी नज़र करने, बुरी नज़र में सिर्फ एक ही है कि थर्ड पार्टी का एक जेलसी की नज़र है तो सही, लेकिन एकदम बुरी वाली नहीं है कि जैसे एकदम आपका नुकसान ही कर दे, वैसा नहीं है, नज़र है बट नुकसान वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील नहीं हुई, तो वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कोई दूसरा चाहे तो आपका नुकसान कर नहीं सकता, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है। अगर आप किसी भी रीज़न से अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हो, तो प्लीज़ स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई पे कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।